26 साल की उम्र में आप सांसद बनी हैं, दलित समाज से आती हैं। आपका वीडियो बहुत वायरल हो गया सोशल मीडिया पे पूरी दिल्ली में। देखो, मैं जिस समाज से और उस वर्ग से आती हूँ, वहाँ देखो अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। मेरे जो खुद के पिताजी हैं, वो एक ट्रैक्टर चलाते थे। एक दो साल का बेटा था, इन्होंने बोला आप पढ़ना चाहती हो, मैंने हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। जैसे कि आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक नहीं थी, और जो बीजेपी की जो वहाँ सरकार रही है, उन्होंने धन बल सबसे जोर लगा लिया। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। जब आप शपथ ले रही थी और आपने पूरी सभा देखी, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, खुद को ही इतना प्राउड फील हुआ कि मुझे मतलब पूरी दुनिया वहाँ देख रही थी। मेरा जन्म मैंने टीवीओं में देखा है। जनता जनार्दन तो वो चीज़ है, जैसे जमीन से उठे को भी राजा बना देती है और राजा को भी जमीन पे बैठा देती है। आपको पता है मम्मी क्या करती हैं? मम्मी क्या है बेटा बताओ? एमपी। क्विंट और क्विंट हिंदी पर आपका स्वागत है और हमारे शो बड़ी बड़ी बातें पर आपका स्वागत है। 26 साल की उम्र में आप सांसद बनी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपका वीडियो बहुत वायरल हो गया सोशल मीडिया पे पूरी दिल्ली में। वो एक खुशी थी, खुशी के तौर पे बहुत अच्छा लगा, तो जनता के बीच एक खुशी का माहौल बन गया, तो सबके बीच में भाई वो हो गया। तो उसके लिए कैसे आप राजनीति में आई, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है? मैं दरअसल मेरा जन्म हुआ है बैर विधानसभा क्षेत्र भुसावर में, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2016 में हुई थी, समोची गांव है कठुमर विधानसभा क्षेत्र में। मैं शादी के बाद वहाँ महज 2-3 साल बाद वहाँ क्या जिला पार्षद का मैंने चुनाव लड़ा, परिवार का सपोर्ट मिला। मेरे जो ससुर साहब हैं वो PW के ठेकेदार जी हैं, और मेरे बड़े पापा जी हैं वो सरपंच रह चुके हैं। तो इस तरीके से राजनीति में वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। महिलाओं की वो सीट आई थी, तो सीट के आधार पर फैमिली ने, पति ने, सब ने सपोर्ट किया कि संजना को लड़ाओ, तो वहाँ से शुरुआत हुई। कौन सा वो पहला एक कोई घटना थी या कोई दिन था, कुछ ऐसा हुआ था जब आपको लगा कि चलिए आपके परिवार में, आप कह रही हैं राजनीति थी, लेकिन आपको कब लगा कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए? मेरा पहले कुछ था नहीं ऐसा, भाई मैं राजनीति में हूँ, ये तो फैमिली का सपोर्ट था। महिला सीट आई थी तो उनका मन था कि भाई उसको लड़ा दो, तो उस तरीके से मैं इनके आधार से मैं वहाँ से उभरी। आपकी बहुत कम उम्र में शादी हुई है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी शादी के वक्त, आपने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की शादी के बाद और आपको कैसे सपोर्ट मिला अपने परिवार का? मेरी शादी हो गई 2016 में, 16 के बाद मतलब जो फर्स्ट ईयर होती है मैंने भुसावर से की है, तो वो भी मेरे पति के सपोर्ट से की है। उसके बाद फिर मैंने LLB की, तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई में जो सहयोग है मेरे हस्बैंड का है। पढ़ाई में रुचि थी आपको पहले से? हाँ बिल्कुल रुचि थी, इन्होंने बोला आप पढ़ना चाहती हो, मैंने हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो पढ़ने के आधार पर इन्होंने खुद ने, जब बच्चे भी हो गए थे, बच्चे भी संभाला, फैमिली भी संभाली और पढ़ाई भी की उस टाइम। आपके बच्चों को पता है आप सांसद हैं? बच्चों को पता है, बच्चों ने ये तो क्या है, जब प्रचार चल रहे थे तो ऐसे ही भाई मेरी मम्मी को वोट देना, मेरी मम्मी को वोट देना। तो उस तरीके से उन्होंने सबसे ज़्यादा बच्चों को, देखो वो नहीं जानते कि भाई सांसद क्या होता है, वो तो ये जानते हैं कि मेरी मम्मी हमारी चुनाव लड़ रही है, बस इतना ही। क्या आपके परिवार का रिएक्शन था जब पार्टी ने घोषित किया कि वो रही आपकी बच्ची? हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हो गया? इट्स ओके। तो देखो सारे फोटो खींचने आए हैं। आपका नाम क्या है? नहीं, ये तो नहाली, नाम बताओ आपका, नाम सृष्टि है ना आपका नाम? परिवार में खुशी थी क्योंकि मैं उस साधारण परिवार से आती हूँ, बिल्कुल साधारण। मेरा जीवन उस तरीके से, मेरे जो खुद के पिताजी हैं वो एक ट्रैक्टर चलाते थे, और मैं उस तरीके से उस लेवल से आती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, जहाँ राजनीति का या कुछ ऐसा भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। पर मेरे जो यहाँ पे पिताजी ने मेरी शादी की थी, और मेरे जो मतलब पति हैं वो एक पुलिस में हैं, तो उनके उस प्यार से और उनके आशीर्वाद से, परिवार के से मैं आज इस जगह और इस मंच पे हूँ। जिस समाज से आप आती हैं, उस समाज ने बहुत पीड़ाएं देखी हैं इतने वर्षों तक, क्या आपके जीवन में ऐसे कोई अनुभव रहे हैं जहाँ आपको लगा कि आपको
उस तरह की एक समानता नहीं मिल रही है समाज में? देखो, मैं जिस समाज से और उस वर्ग से आती हूँ, वहाँ देखो अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है, और अपने समाज की जिस तरीके से मैं आज यहाँ पे हूँ, तो मैं जो हूँ ना, मैं पार्टी की देन से हूँ, क्योंकि उन्होंने एक दलित समाज पीड़ित महिलाओं को, मतलब महिलाओं को वहाँ से और इस जगह पे लाया है, तो मेरे लिए बहुत गौरव की और बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन में कभी ऐसा कोई अनुभव रहा हो बचपन में आपके परिवार के साथ या आपके पिता के साथ, जब उनके साथ भेदभाव हुआ हो जीवन में? फैमिली भी ऐसी वो नहीं है, मेरे भाई भी पढ़े लिखे तो हैं पर कोई सर्विस में नहीं है, और ना ही मेरी माँ, मतलब उस तरीके से तो ऐसा भेदभाव तो हुआ नहीं। पर आज के जनरेशन में मतलब ये है कि हमें बहुत ज़्यादा, मैं तो ये पार्टी का मैं दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक दलित समाज की महिला को इस तरीके से आगे लाया, तो पार्टी के बड़े लीडर्स को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रियंका जी के साथ आपने काम किया है? हाँ बिल्कुल। मैं आपके साथ, उनके साथ आप कैसे जुड़े? देखो, मैं यहाँ पे जब विधानसभा का मैं टिकट मांग रही थी, तो मैम से जब मैं मिली उनसे, तो वहाँ उनसे मतलब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस तरीके से मैं उनके साथ जुड़ी और उनके साथ मतलब मैंने काम किया। प्रियंका मैम हमारी प्रेरणा है, उनकी वजह से मैं उनसे एक्सपीरियंस हूँ, क्योंकि मैं इतना समझती हूँ कि मेरे लिए उनसे जुड़ना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आते तो कोई उनसे मिल भी नहीं पाता है। मैंने कोशिश की, मेहनत की, और मेहनत के जरिए मैं उनसे मिली और उस तरीके से उनके साथ मैंने काम किया। आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, महज 400 वोटों से आप हारी थी चुनाव, उस वक्त क्या लगा था आपको? देखो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेहनत ही उसी प्रकार की थी, दुख भी बहुत हुआ था। अगर देखो कोई चीज़, हम जैसे ना तो हमारी कोई आर्थिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं है भाई कि हम दोबारा भी चुनाव लड़ पाएँ, या उस तरीके से बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि मेहनत इस तरीके से की फिर जनता के बीच में, पर जनता ने इस चीज़ को हारा हुआ ना समझा। हारने के बाद में भी बहुत सी चीज़ें हुई, मेरे खुद के पिताजी भी थे, साइलेंट अटैक से ख़त्म हो चुके थे चुनाव, महज चुनाव के 15-20 दिन बाद, तो दोनों चीज़ थी, बहुत दुख भी था, चुनाव का तो था ही, पर पिता के जाने का भी बहुत दुख हुआ ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे पिताजी की उम्र भी महज मतलब 61 साल होगी, ज़्यादा नहीं थी। उस तरीके से निकलते निकलते पर मेरे जो परिवार था, मेरी माँ थी, मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने पूरी तरीके से मेरा सपोर्ट दिया और मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। आपके हस्बैंड के सपोर्ट के बारे में आप हमें विस्तार में बता सकती हैं? मेरे हस्बैंड ने मतलब मुझे हमेशा ही आगे रखा है, चाहे मतलब पढ़ाई में हो, चाहे खुद की, मतलब ये हमेशा मेरे को खुले मैदान में रखा है। आपकी चॉइस, मतलब आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, आप राजनीति में आना चाहते हो तो राजनीति में आओ, पर सबसे ज़्यादा मैं जो मेरी जीत का श्रेय, देखो जो घर में ही सबसे ज़्यादा होता है, मैं मानती हूँ परिवार का और फैमिली का और खुद पति का अगर सपोर्ट हो तो ये सबसे बड़ी बात है, इंसान वहीं से मजबूत होता है, तो मैं मेरी जो नींव है मैं वहाँ से सबसे ज़्यादा मजबूत हूँ। शादी के बाद जो उन्होंने आपसे कब पूछा कि आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है? शादी के बाद मेरी मतलब मेरा बेटा हो गया था, मेरे को एक दो साल का बेटा था, तो मेरी पढ़ाई तो चल रही थी, तो फिर BA फाइनल भी नहीं हुई थी उस टाइम, बच्चा हो गया, बच्चे के मतलब बच्चे भी संभाले, और फिर उसके बाद में दोबारा मतलब इन्होंने बोला आप LLB करना और आगे पढ़ाई करनी है आपको, फिर मैंने भी उनसे ये बोला कि मैं पढ़ाई करूँगी और मैं कुछ अच्छा करने की चाहती हूँ, कि हम कुछ भी करें पर अच्छा करेंगे। तो उस तरीके से देखो फैमिली का और पति का सबसे ज़्यादा, मेरे जो पढ़ाई का जो है ना, सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे पति को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सुख दुख, मेरे पिताजी भी चले गए थे, तो हमेशा मेरी ढाल बनकर मेरे साथ खड़े रहे, तो मेरे साथ मेरी मजबूती के जो मैं आज हूँ उनकी वजह से हूँ, अगर वो नहीं होते तो आज मैं इस जगह पर नहीं होती। जब उन्होंने आपसे वापस पढ़ाई शुरू करने के लिए पूछा, आपको संकोच हुआ था कि आप बच्चों के साथ कैसे मैनेज कर पाएंगे? हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि मतलब महज बीच में ब्रेक लग गया, ब्रेक मतलब कि पढ़ाई तो स्टार्ट थी, पर मतलब BA के बाद फिर LLB की, फिर बच्चे भी संभालना, फिर एग्ज़ाम देने जाना, बड़ा टफ होता है। पर मम्मी ने भी, देखो मेरी सासू माता है, उन्होंने फैमिली, मेरी बेटी है, मेरे बेटा है, इनको उस तरीके से संभाला, तो मैं सुबह एग्ज़ाम देना चाहे करती थी फिर शाम को घर, तो इस तरीके से वो था। पर मैंने दोनों चीज़ों को संभाला, घर को भी संभाला, पढ़ाई को भी बीच में रखा, और बच्चों को भी उस तरीके से रखा कि अपनों से दूर ना रखा जाए। मैम, देश में महिलाओं के लिए राजनीति में बहुत बात होती है, पिछली सरकार में महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए बिल भी पास हुआ। आप एक 26 वर्षीय महिला हैं, दलित समाज से आती हैं, आप एक ऐसे प्रदेश से आती हैं जहां दलित समाज के खिलाफ भेदभाव
उसके इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं। क्या लगता है आपको महिलाओं के लिए और दलित महिलाओं के लिए कैसे एक क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है समाज में? देखो, बदलाव लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं हैं वो बहुत ही, मतलब मैंने देखा है, मैं खुद के ऊपर बोलती हूँ, मैं औरों के लिए नहीं, क्योंकि जब मैं चुनाव में, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी होती हैं, घर संभालना, बच्चे संभालना, फिर राजनीति में आना। देखो, मैं जिस क्षेत्र से, और जैसे कि भरतपुर जिला है, संभाग भी है, वहाँ से चुनाव निकालना बहुत बड़ी बात है। मंत्री वहाँ से, मुख्यमंत्री वहाँ से बीजेपी के, और जितने भी विधायक हैं आठों कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ के विधायक भी वहाँ से, तो बहुत मुश्किल था, बहुत चुनौती थी। पर मैं ना एक चीज़ भी कहना चाहूँगी कि जनता जनार्दन एक ऐसी वो है जिसके वजह से मैं आज यहाँ पे इस जगह पे हूँ, क्योंकि सर्व समाज का मुझे प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। और जो बीजेपी की जो वहाँ सरकार रही है, उन्होंने धन बल सबसे जोर लगा लिया, एड़ी चोटी का जोड़ है वो सब लगा लिया, पर सर्वोपरि जो जनता है, उन्होंने जनता जनार्दन, तो वो चीज़ है जैसे जमीन से उठे को भी राजा बना देती है और राजा को भी ज़मीन पर बैठा देती है। मुझे पता है चुनावों में बहुत सी समस्याएँ भी आई थी, जैसे कि आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक नहीं थी, पर जनता ने खुद नहीं, स्वयं बन के, मतलब संजना बन के स्वयं नहीं चुनाव लड़ा है। चुनाव भी जैसे किसी ने कहीं साधन लगा दिए, किसी ने कहीं वो किए, मतलब सारी व्यवस्था जनता ने की है, और जनता के विश्वास से मैं ये चुनाव जीती। आपने संसद में शपथ ली, जब आप शपथ ले रही थी और आपने पूरी सभा देखी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खुद को ही इतना प्राउड फील हुआ कि मुझे, मतलब पूरी दुनिया वहाँ देख रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नई संसद की, और नई संसद में बहुत लोग थे वहाँ के, जितने भी सांसद थे, सबसे बातचीत भी हुई, बहुत खुशी भी मिली कि जो महज जो कोई सपना भी नहीं देखता सोचने का, बस टीवी में, मैं तो मेरी बताऊँ, मेरा जन्म में मैंने टीवी में देखा है, भाई ये वहाँ पे हैं प्रधानमंत्री, ये आके हैं अपने, राहुल जी भी करीब से मैंने, अब उनको यहाँ देखा है कि राहुल जी उस तरीके से पूरे परिवार से, फैमिली से उस दिन मिली मैं यहाँ पे। जहाँ मेरी भरतपुर की जनता थी वो बहुत खुश थी कि, मतलब उस तरीके से और बैकग्राउंड से निकलना, उन्होंने मुझे वहाँ बैठाया है जिससे कि मैं उनकी वहाँ की आवाज़ में संसद में उठा सकूँ, मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। परिवार और राजनीति दोनों जिस तरीके से आपने अच्छे से अब तक संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे और संभाल पाएंगे? बिल्कुल, मैं ऐसे ही संभालूंगी जैसे पहले संभालती थी, बच्चे भी अभी मेरे साथ में ही हैं, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ों को थोड़ा सा, जहाँ मैं अगर घर जाऊँगी तो घर में ऐसा नहीं है मैं काम नहीं करती, मैं यहाँ के जाने के बाद मैं घर में सारा काम करती हूँ, अगर मुझे झाड़ू पोछा करना हो तो मैं वो भी करके आ जाती हूँ, वहाँ के जैसे लोग मिलने वाले आते हैं तो मैं मिलती भी हूँ उनसे, और फिर घर का काम करने के बाद में फिर मैं, मतलब ऑफिस पे बैठती हूँ, ऑफिस पे सबकी समस्याएं सुनती हूँ, सबको फ़ोन कॉल्स करती हूँ, भाई किसकी क्या समस्या है। भरतपुर है ना, आप अंदर जाके देखोगे ना तो ऐसा लगेगा एक, मतलब गांव है, बड़ा गांव, ना कि आप बगल के एरिया को देखोगे जैसे अलवर है, दौसा है, अपने करौली धौलपुर है, आसपास के एरिया को देखो वो डेवलप हो चुके हैं, वो ऐसा है जैसा, मतलब विकसित आज तक हुआ ही नहीं। जो भी सांसद वहाँ के रहे हैं, मतलब उन्होंने, मतलब शायद मुझे तो ऐसा लगता है बजट ही बांटा हो, मतलब उससे अच्छा, मतलब करने की कोशिश नहीं की हो। हमारे वहाँ क्षेत्र में मेन अपने पानी की समस्या इतनी है, बहुत ज़्यादा पानी, मतलब ना तो पीने के लिए, ना खेतों के लिए। रोज़गार की मैं वहाँ बात करूँ तो वहाँ ऐसा कोई रोज़गार भी नहीं है, जैसे कि मैं अदर में जा कर देखूँ तो वहाँ कोई फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे मैं अलवर की बात करूँ तो अलवर की बहरोड़ तिजारा, मतलब उधर का जो एरिया है वहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, तो आम जन जो होते हैं तो कम से कम अपने घर का लालन पोषण तो कर सकते हैं, वहाँ तो वो भी नहीं है। वहाँ के जो मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, बड़े बड़े पत्थरों का वैसा काम करते हैं। पर मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं सारी समस्या को समाधान करने की पूरी मेरी मेहनत है, पूरी कोशिश यहाँ पर संसद में भी सारे मुद्दे उठाऊँगी, पूरी कोशिश करती हूँ सारी चीज़ों को संभालने की, क्योंकि मैं सबको टाइम दूँ और अपनी जो मुझे जिस चीज़ के लिए जनता ने, सर्व समाज ने चुना है, तो उस तरीके से मैं उनको आगे रखूं। आप अपने परिवार को बहुत श्रेय देती हैं, आपसे आपके परिवार से मिलते हैं, आ जाइए। हेलो, किसका फ़ोन है, क्या हो? ये बेटा है। हाय, आपको पता है मम्मी क्या करती हैं? नहीं नहीं पता। मम्मी क्या है बेटा बताओ? एमपी। संजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद क्विंटर क्विंटिन से बात करने के लिए और हमसे बड़ी बड़ी बातें पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।